बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और यह बड़ी खबर विशेष रूप से एनएचएम कर्मचारियों के लिए है। दिवाली पर एनएचएम कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया है। आयुष्मान भारत योजना में एनएचएम कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं। 5 लाख रुपए तक सालाना इलाज जो है वो मुफ्त में, इलाज की सुविधा भी इनको भी दी जाएगी। विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र जारी कर दिया गया। 1,80,000 रुपए तक सालाना से अधिक आय वाले 1,500 रुपए देकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 1,500 में से 750 रुपए प्रदेश सरकार वहन करेगी। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। रवि, एक बड़ी सौगात एनएचएम कर्मचारियों को मनोहर सरकार की तरफ से। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना फ्री इलाज सुविधा प्रदान करने का निर्णय जो है वो लिया है। विभाग ने फ्री इलाज करने को लेकर इस संबंध में जिला सिविल सर्जनों को पत्र जारी किया है। 1,80,000 रुपए से अधिक आय वाले यानी कि 1,80,000 से 3 लाख रुपए की आय वार्षिक आय वाले तमाम जो परिवार हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। उनको मात्र 1,500 रुपए अतिरिक्त जो है वो इस योजना के लाभ के लिए देने होंगे, जिसमें करीब 750 रुपए प्रदेश सरकार वहन जो है वो करेगी और कर्मचारी को मात्र 750 रुपए ही देने होंगे। यदि कोई वर्कर कोई कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता तो उसे शपथ पत्र जो है वो दाखिल करना होगा। हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा के अंतर्गत आने वाले 1,80,000 से 3 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का फैसला जो है वो किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। दिवाली पर एनएचएम कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। मनोहर सरकार ने तोहफा दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब उनका भी इलाज मुफ्त में हो सकेगा। 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री इलाज की सुविधा एनएचएम कर्मचारियों को भी